इसके साथ साथ जो भी पेपर एनालिसिस और प्रीवियस वीडियोस है अगर आप लोग नए हैं तो वो वीडियोस भी जरूर से देख लीजिएगा ठीक है देर हैज़ बिन टू पेपर एनालिसिस एंड अदर वीडियोस रिगार्डिंग बेगला ऑन थर्टी एट एज वेल सो लेट्स स्टार्ट विद द डिफरेंट क्वेश्चन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ रीडिंग जैसे हम लोग पहले भी देखे हैं जैसे ये दो टर्म एंड एग्जाम में आया था जैसे डिफरेंट स्टेजेस ऑफ रीडिंग क्या है एलिमेंट्री रीडिंग है फिर इंटरमीडिएट रीडिंग है फिर लास्ट में क्या है एडवांस रीडिंग नेक्स्ट है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीडिंग टाइप्स ऑफ रीडिंग में क्या है ये आपको देखना पड़ेगा कि टाइप्स ऑफ रीडिंग क्या है बहुत सारे अगर आप देखोगे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है फिर है व्हाट आर द टेक्निक्स ऑफ रीडिंग ठीक है ये आप बुक से खोजिएगा क्योंकि तो मैंने बहुत सारे जो प्रीवियस वीडियोस है उसमें मैंने बता दिया है इसका आंसर्स फिर है व्हाट इज स्किमिंग एंड स्कैनिंग ठीक है फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ रीडिंग रेडीनेस हाउ डज मेमरी ट्रेनिंग हेल्प्स इन लर्निंग ठीक है हाउ डज मेमरी ट्रेनिंग हेल्प्स इन लर्निंग फिर फिफ्थ क्वेश्चन है वाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्प्रेंशन ये वाला जून ट्वेंटी ट्वेंटी टू में भी आया था व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेश कॉम्प्रीहेंशन वट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्प्रीहेंशन और डिफरेंशिएट बिटवीन अपलाइड कॉम्प्रीहेंशन एंड अफेक्टिव कॉम्प्रीहेंशन ठीक है या उन लोग कोई भी पाँच में से कोई भी दो कॉम्प्रीहेंशन को वो बोल सकते हैं ठीक है थेके? फिर है वॉट आर द सेवन सीज ऑफ कम्युनिकेशन ठीक है फिर सेवेंथ क्वेश्चन है हाउ डज पैरलिंग्विस्टिक्स हेल्प इन टेलीफोनिक कन्वर्सेशन स्टेट सम ऑफ द पैरलिंग्विस्टिक फीचर्स यूज जैसे इन्फ्लेक्शन हुआ ठीक है वॉइस हुआ फिर टोन हुआ ये सब चीज़ आपका ब्लॉक फोर्ड में मिल जाएगा ठीक है वट आर द डिफरेंट स्ट्रेटेजीज ऑफ स्टडी रीडिंग तो डिफरेंट स्ट्रेटेजीज ऑफ स्टडी रीडिंग ये देख लीजिएगा फिर डिफरेंशिएट बिटवीन आर्गूमेंटेटिव टेक्स्ट एंड एंडसिव टेक्स्ट जनविनली ऐसे टाइप के क्वेश्चन तो नहीं आते हैं क्योंकि ये आपका कॉम्प्रीहशन के में ही ये दे देता है कि आर्गुमेंटेटिव टेक्स्ट है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ टेक्स्ट दैट आर बीन यूज्ड बट वो दे सकते हैं ठीक है क्योंकि ये आपका ये भी आपका ब्लॉक यूनिट के हिसाब से है अगर ये दे दिया तो फिर आप लोग के लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा तो ये एक बार देख लीजिएगा कि आर्ग्यूमेंटेटिव टेक्स्ट किसको कहा जाता है ये आपका कॉम्प्रीहशन में थ्री मार्क्स करके हर साल देता है ठीक है बट अगर इन लोग डिफरेंस uh, दे दिए या एक डेफिनेशन नहीं लिए तो ये भी आ सकता है ठीक है या वॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन एक्सप्लोजिट्री टेक्स्ट एंड डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट फिर है अलेवन क्वेश्चन है वॉट इज डोमेन एंड रजिस्टर्ड हाउ डज़ फॉर्मल डोमेन डिफर फ्रॉम इनफॉर्मल डोमेन इन टर्म्स ऑफ रजिस्टर्ड ठीक है फिर है वॉट इज स्ट्रेस एंड रिदम थर्टीन क्वेश्चन है वॉट इज कम्युनिकेशन फिर है वॉट आर द डिफरेंट बैरियर्स टू कम्युनिकेशन ठीक है वॉट आर द डिफरेंट बैरियर्स टू कम्युनिकेशन इसका एक अंदर से भी क्वेश्चन आया था कि वर्ट वॉज इन्फॉर्मेशन ओवरलोड अगर आप देखोगे ये भी बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन का लास्ट पार्ट में एकदम लास्ट पेज में वो लास्ट आ, उसका जो लास्ट पार्ट है उसमें बताया गया था इन्फॉर्मेशन ओवरलोड ठीक है फिर है एक्सप्लेन द मॉडर्न डे क्लास रूम दिस इज फ्रॉम ब्लॉक वन यूनिट वन में ही आपको मिलेगा मॉडर्न डे क्लासरूम एंड ऑल दो थिंग्स फिर है फिफ्टीन वट इज़ क्रिटिकल रीडिंग फिर है डिफाइन इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव रीडिंग ठीक है फिर है वॉट इज इंफॉर्मेशन ओवरलोड जैसे मैंने पहले भी बताया डिफ्रेंशिएट बिटवीन राइजिंग एंड फॉलिंग इंटोनेशन वॉट इज़ कोडा ठीक है वॉट इज़ कोडा ये आपको देखना है वट इज़ द फाइव एलिमेंट्स ऑफ अ स्टोरी ये आपका नेगेटिव टेक्स्ट में मिल जाएगा और ये आपका ब्लॉक uh, फोर में भी मिलेगा ठीक है नरेटिव टेक्स्ट में भी मिलेगा क्योंकि वो एक पार्ट्स ऑफ स्टोरी में बताया जा रहा है और ब्लॉक फोर में भी मिलेगा दो जगह मिलेगा ठीक है हाउ डज़ ग्रुप डिस्कशन डिफर फ्रॉम डिबेट्स और मीटिंग्स ठीक है uh, फिर है व्हाट इज़ द थीसिस स्टेटमेंट एंड टॉपिक सेंटेंस इन अ पैराग्राफ व्हाट आर द वेज टू प्रिपेयर अ प्रेजेंटेशन ट्वेंटी फोर क्वेश्चन है व्हाट इज़ द सिलेबल एंड ट्वेंटी फाइव है व्हाट आर फोनिम्स ठीक है फोनिम्स हुआ फिर अगर आप देखोगे स्ट्रेस है वर्ड स्ट्रेस व्हाट इज़ स्ट्रेस ये बोल सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्ड स्ट्रेस एंड सिलेबल स्ट्रेस ठीक है फिर आपको वर्ड्स के रिलेटेड भी दे सकते हैं क्वेश्चन सो ये सब क्वेश्चन आप देख लेना अच्छे से ठीक है ब्लॉक वन आपको अच्छे से देखना पड़ेगा उसमें से आपका मिनिमम थर्टी टू फोर्टी मार्क्स आपका आ जाएगा ब्लॉक वन से ठीक है उसके साथ साथ आप दूसरे जो टेक्स है उसको भी अच्छे से आप देख लीजिएगा उन लोग क्वेश्चन दे सकते हैं उसके रिलेटेड ठीक है फिर टेलीफोनिक कन्वर्सेशन फिर रजिस्टर्ड डोमेन ये सब चीज़ भी देख लीजिएगा ये सब चीज़ पहले नहीं आया है पे लिंग्विस्टिक्स पे लिंग्विस्टिक फीचर्स <coughs> फिर सेवन थीज ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके साथ साथ आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स को भी अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा और असाइनमेंट को भी अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा

गुड लक फॉर द एग्जामिनेशन टेक केयर एंड आप प्रीवियस uh, वीडियोज़ भी देख लेना उसमें बुक का uh, बहुत सारे एक्सप्लेनेशन दिया गया है उसके साथ साथ प्रीवियस टू पेपर्स का भी एनालिसिस दिया गया दैट्स इट टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे